हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपका साइंस का टीचर, जो है कि आपको आपकी बुक से साइंस क्रिएशन बुक का नाम तो चैप्टर वन से, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, को एक्सप्लेन करूंगा। अब आप रेडी होंगे। इंट्रोडक्शन परिचय, जो है कि सभी आदमियों को जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी व्यक्ति को जो है, सभी मानव को जो है कि आवश्यकता होती है भोजन की और रहने के स्थान की, कपड़े की आवश्यकता होती है, और जिस पे जो है कि भोजन के लिए जो है कि हम निर्भर करते हैं पौधे और जंतुओं पर जो है, और पौधे से ही जो है कि अधिकतर भोजन जो है कि हमें प्राप्त होता है। इसके लिए जो है कि हम कृषि का प्रयोग करते हैं, कृषि के द्वारा जो है हम अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करते हैं, जिससे जो है कि हमारी जो है भोजन की पूर्ति हो सके। इसमें राइस है, वीट है, मेज है, मिलेट्स है, पल्सेस में है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, एक्टिव है, पीजन पी है, राजमा है, ये सब पल्सेस हैं। ये सब की जो है कि हम कृषि करते हैं और इस कृषि प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब तेल के लिए यूज करते हैं। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनका जो है कि हम यूज करते हैं भोजन के रूप में। इन द बिगनिंग कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स सीरियल्स सच एज बर्ली, राइस, कॉर्न, देयर सीड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, देयर फ्रॉम द स्टेपल डाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। श्रेयस कॉन्टेंट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, सम कॉमन क्रॉप प्लांट्स लिस्टेड बिलो। प्रारंभिक रूप से जो है कि फसलों में जो है कि श्रेयस है खाद्यान्न, जिसमें गेहूं है, बैरली जो है, राइस है, कार मक्का है, और जो सीड्स हैं इनका जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, पोषक तत्व तो जो है इनसे मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो है स्टेपल्स हैं डाइट प्रधान जो है आहार के रूप में यूज किए जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और कुछ फाइबर्स जो है कि इसमें पाए जाते हैं। नीचे दिए गए क्रॉप प्लांट्स में दिए गए हैं, जिसको जो है कि आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, रूट क्रॉप्स है, ट्यूबर क्रॉप्स है, आयल सीड्स हैं, शुगर क्रॉप्स है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, फाइबर क्रॉप्स हैं, इनके विषय में दिया गया है। द प्रोडक्शन अवेंटन फ्रॉम दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब जो है कि इनसे जो इन फसलों से जो प्राप्त होते हैं उत्पादन होता है उसे प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये जो है कि एक विशेष सीजन में जो है कि इन फसलों को उगाया जाता है। कुछ फसलें जो होती हैं कि समर क्रॉप्स होती हैं जिन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, कुछ विंटर में पैदा की जाती हैं जिन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। क्रॉप्स आर प्लांट्स विच ग्रोन इन लार्ज क्वान्टिटीज फॉर फसलें जो है कि बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन के लिए उत्पादित की जाती है, उगाई जाती है। स्पेस वेयर कल्टिवेटेड क्रॉप्स बट नाउ अबाउट हंड्रेड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन फॉर फूड। स्पेस आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर न्यूट्रिशनल सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स। स्पेस जो है कि सैकड़ों प्रजातियां स्पेस की हैं, जिसमें से स्पेस जो होती हैं लंबी ग्रास के रूप में पाई जाती हैं, जिसमें पोषक जो है बीज पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेन्स कहा जाता है। दे प्रोवाइड स्टेपल्स फूड फॉर पीपल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है कि भोजन का मुख्य स्रोत होता है, प्रत्येक दुनिया में हर भाग में फूड का जो है कि मेन स्रोत जो होता है स्पेस होता है। ग्रेन्स आर रिच इन द आल्सो कंटेन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ग्रेन्स में जो है कि स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। वीट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल्स इन द वर्ल्ड। वीट जो है, गेहूं जो है बहुत महत्वपूर्ण सीरियल्स है खाद्यान्न है दुनिया में, फॉलोड बाय राइस एंड मेज। राइस और मेज के बाद चावल और मक्के के बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषि जो प्रैक्टिस है। द साइंस दैट डील्स विद ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रेयरिंग द एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर। विज्ञान की वो शाखा जिसमें जो है कि पौधे के की ग्रोथ और जंतुओं का पालन जो है कि किया जाता है, और कपड़े के उत्पादन, इन
इन सबको जो है कि एग्रीकल्चर कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। इन इंडिया मोर देन 75% पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। इंडिया में, भारत में जो है 75% लोग जो है इस कृषि व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। ड्यू टू साइंटिफिक मेथड्स द फूड प्रोडक्शन एज रिसेंट ईयर्स हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली बाय अडॉप्टिंग टेक्निक सच। अब जो है इसके कारण जो है कि फूड वैज्ञानिक तौर पर जो है कि उत्पादन जो होता है सालों साल जो है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह जो है कि भोजन उत्पादन के लिए जो है तकनीक की आवश्यकता, काफी खाद्यान्न का उत्पादन हो इसके लिए जो है कि तकनीक एडॉप्ट की गई है। यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड यूज किया जाता है, अच्छे क्वालिटी का बीज का यूज, जो मॉडर्न जो है अपनी तकनीक है उसका यूज किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेसर्स हैं, हार्वेस्टर हैं आदि। गुड क्वालिटी मैनुअल से अच्छी क्वालिटी की जो है कि रहते हैं खाद, कीटनाशक दवाएं और जो जैविक मैनुअल्स हैं उनका यूज किया जाता है। रिलायबल वेदर फॉरकास्ट, अब जो है कि विश्वसनीय वेदर का जो होता है मौसम का प्रसारण होता है, मौसम सही होना चाहिए। इन अवर कंट्री द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन ब्रॉट अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंसेक्ट इन द 1960। हमारे देश में जो है कि कृषि जो है कृषि की हरित क्रांति हुई है 1960 में प्रारंभ की गई है हरित क्रांति। फॉलोइंग आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर कॉमन टू आर क्राफ्ट, नीचे दिए गए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है दिए गए हैं साधारण क्राफ्ट के लिए। टीलिंग, टीलिंग जो होती है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर टर्न सॉइल मुझे पेंट्रेट फ्रीली एंड डीपर द लूज लॉ लूज सॉइल अलाउ रूट्स ब्रेथ इजली इवन एंड दे इन टर्न सिक्योर द प्लांट मोर फ्रीली। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सॉइल को मिट्टी को जो है कि लूजन करने के लिए लूजन किया जाए, ढीला किया जाए मिट्टी को फ्रीली डीपर और जड़ों को जो है आसानी से जड़ें जो है कि अंदर गहराई तक जाएं और द लूज सॉइल ऑलवेज रूट ब्रेथ इजली और सॉइल लूज करने से जो है सॉइल के लूजन से जो है कि श्वसन क्रिया जो होती है जड़ों में आसानी से होती है और जो है कि प्लांट जो है मजबूती से पकड़े रहते हैं। द लूज सॉइल आल्सो एड्स ग्रोथ वार्मथ प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जो है कि इस मिट्टी में जो है कि जो वर्म्स होते हैं केचुआ वगैरह होते हैं मिट्टी में उपस्थित होते हैं जो कि मित्र होते हैं, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, ये भी जो है कि मिट्टी को लूजिंग करने में सहायता करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सोइंग द क्रॉप इन्वॉल्व्स फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, तीन जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स के आधार पर जो है कि तैयार की जाती है मिट्टी को। प्लाउजिंग, अब प्लाउजिंग के द्वारा जुताई के द्वारा जो है कि आप जानते हैं कि जैसे कि जुताई की जाती है खेतों की बुआई से पहले और इससे जो है कि इसमें जो है कि लोहे के प्लाउज या लकड़ी के प्लाउज के यूज किए जाते हैं बैल के द्वारा या ट्रैक्टरों के द्वारा की जाती है जुताई। लेबलिंग, लेबलिंग में होता है जो है कि प्लाउजिंग के बाद जो है लेबलिंग की जाती है कि मिट्टी के को जो है कि और अच्छी तरह तोड़ दिया जाए और लेबलर कर दिया जाए, बराबर संपर्क कर दिया जाए, तब प्रोसेस इज कॉल्ड लेबलिंग। इस प्रक्रिया को लेबलिंग कहा जाता है। इसमें जो है कि मिट्टी जो है कि इरोजन होती है जो इट पैक्स इन लूज सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये जो है कि पैक हो जाते हैं मिट्टी जो है कि लूज होकर के पैक हो जाती है और मिट्टी का मृदा अपरदन नहीं होता है। इट आल्सो हेल्प डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवेनली ओवर द फील्ड। इसकी से जो है कि पूरे खेत में जो है कि पानी अच्छी तरह समान रूप से जो है कि चारों तरफ सिंचाई में सहायता मिलती है। इफ द सॉइल इज नॉट लेवल्ड वाटर कैन अकोमोडेटेड लिटिल पिट्स, अगर मिट्टी की जो है कि लेवल नहीं किया जाएगा तो पानी जो है कि हर तरफ जो है गड्ढों वगैरह में फंस जाएगा। लेवलर लाइक प्लाउज कैन ड्राइव इन द ट्रैक्टर, एक लेवलर जो होता है प्लाउज की तरह होता है जो कि ट्रैक्टर के द्वारा जो है कि किया जाता है मैनुअली खाद डालना। अब जो है कि मैनुअल्स जो होते हैं खाद जो होती है रासायनिक खाद या जो है कि जैविक खाद जो होती है
सप्लाई वेरियस रिक्वायरमेंट, जितना भी पौधे की आवश्यकता होती है फसल की उस आधार पर जो है कि खाद को डाली जाती है। और पीरियडिकली द सॉइल वुड बिकेम बारेन एंड इनफर्टिलाइज, और ज्यादा खाद डालने से जो है कि बंजर हो जाती है जमीन, बंजर हो सकती है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीज का सिलेक्शन, टू एवेंटेन ए गुड क्रॉप्स क्रॉप फार्मर्स हैव टू प्रोक्योर द राइट काइंड्स ऑफ द सीड्स, प्राप्त करने के लिए अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज का जो है कि चुनाव जो है कि फार्मर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में जैसे वीट है, नॉट ग्रोन बाई सोइंग द वीट बीज यूज मेक चपाती, हम जो है कि ऐसे बीज का ही का यूज नहीं करते केवल गेहूं के जिससे कि चपाती ही बने। द वीट सीड्स कल्टिवेशन स्पेशली ग्रोन, हम जो है कि वीट के सीड्स को कल्टिवेशन के लिए जो है खेती के लिए जो है विशेषता ग्रोन करते हैं। ग्रेट केयर इन टेकन अवेंटेड हेल्दी सीड्स डिजायर्ड वेराइटी, अलग अलग वरायटी के जो है जो आवश्यक हमारी इच्छा के अनुकूल वराइटियाँ हैं अच्छे क्वालिटी की, उन हेल्दी सीड्स का हम यूज करते हैं। इट आल्सो इंश्योर दैट सीड्स आर फ्री फ्रॉम सीड्स आर वीड्स, और ये जो है कि हमें सुनिश्चित कराते हैं, ये बीज हमें सुनिश्चित कराते हैं कि सीड आर वीड्स, जो सीड के साथ जो वीड्स होते हैं खरपतवार होते हैं, खरपतवार कम से कम हो। सोइंग बुआई, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीड्स इनटू द सॉइल, बुआई जो है ये प्रक्रिया जो है सीड्स की होती है मिट्टी में। गुड क्वालिटी सीड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, अच्छे क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, तो हेंस फार्मर्स हैव टू इंश्योर, लेकिन इससे जो है कि किसान जो है कि सुनिश्चित हो जाता है दैट मोस्ट सीड्स आर सोन जर्नेट, जो वो बीज हो रहा है वो अच्छी तरह से अंकुरित होंगे। एक्टिविटी, ए टेस्ट ऑफ डिफेक्टिव सीड्स, अब जो है कि इसमें एक टेस्ट दिया गया है डिफेक्टिव सीड्स जो अप्रभावित सीड्स हैं। टेक ए बॉकेट हाफ फिल्ड वाटर, अब इसमें जो है कि एक पानी का बाल्टी ले लीजिए, उसमें आधा बाल्टी पानी भर दीजिए, उसमें कुछ बीज डाल दीजिए, कुछ बीज जो है कि फ्लोट करते रहेंगे पानी के ऊपर और कुछ जो है कि अंदर बैठ जाएंगे। डिफेक्टिव सीड्स जो होते हैं, जो अप्रभावित सीड्स होते हैं, जो बीज जो है अंकुरित नहीं होते हैं, वो जो है कि तैरना शुरू कर देते हैं, ऊपर ही हल्के होते हैं, और जो उन बीजों को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है जो बाहर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। द सीड्स बीज सेटल डाउन आर हेल्दी एंड कैन बी यूज सोइंग, और जो बीज जो है कि नीचे तली में रहते हैं वो स्वस्थ होते हैं और बुआई के लिए उपयुक्त होते हैं। अब अगला जो है कि नेक्स्ट जो है कि कल पढ़ेंगे।